हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं आपका प्यारा छोटा सा चैनल नर्सिंग गुरु। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल में। 5-7 दिन मेरे को ऐसे लग गए कि मैं एक लेटेस्ट वैकेंसी ढूंढ रहा था, क्योंकि बहुत सारे चैनल में फर्जी दिखाई जाती है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करता। मैं एक्चुअल वैकेंसी आती है मैं वही डालता हूँ, और मैंने आज वही वैकेंसी उठाई है। केवल एक पोस्ट निकली है जिसका किसी को पता नहीं है, जोधपुर एम्स में वो वैकेंसी निकली है। जाहिर सी बात है कि ये वैकेंसी कॉन्टैक्ट बेसिस में आपकी पूरी डिस्क्रिप्शन में बताऊंगा, आपको इसमें एक्सप्लेनेशन करूंगा इसमें क्या है, आपको कैसे अप्लाई करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो लास्ट तक देखिए और इस पोस्ट को अप्लाई जरूर कीजिए, क्योंकि नर्सिंग गुरु के साथ आप जरूर रखे हो तो डेफिनेटली आपको एक पोस्ट का फायदा मिलने वाला है। और ये पोस्ट किसी को पता नहीं होती, तो डेफिनेटली आपने फॉर्म भरा होगा और आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। ये है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये रायपुर में, सॉरी जोधपुर से रिलेटेड ही वैकेंसी है, लेकिन ये रायपुर में है। ठीक है, इसकी एक पोस्ट जोधपुर में भी है, एक रायपुर में भी है। तो ये एडवर्टाइजमेंट है रायपुर का, छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो इसमें बताना चाहता हूँ कि एडवर्टाइज देखिए ऊपर पढ़ सकते हैं आप, एडवर्टाइज फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बेसिस अंडर द, यानी कि एक प्रोग्राम के थ्रू वैकेंसी निकली है। इसमें देखिए, एलिजिबल कैंडिडेट आर इन्वाइटेड टू सेंड देयर एप्लीकेशन फॉर बिलो एडवर्टाइज पोस्ट फॉर एनी एक्सटर्नल CDC फंडेड, यानी कि एक प्रोजेक्ट के थ्रू वैकेंसी निकली है। वहाँ केवल जो प्रोजेक्ट में वर्कर काम करेंगे उनका केवल अपन को देख रेख करना है। ठीक है, यानी कि लग जाए कर जाए, वो आप सब जानते हो, आप एक्सपर्ट हो और नर्सिंग गुरु के साथ जुड़ रखे हो। ठीक है, तो नेमो पोस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट नेमो पोस्ट है जूनियर रिसर्च फिलो, यानी कि जूनियर रिसर्च की। इसमें 32,000 पर मंथ सैलरी है, एक पोस्ट है। इसमें क्या है, इसमें ग्रेजुएशन मांगी है, क्वालिफिकेशन एज असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें मांगी है। MSc नर्सिंग विल बी गिवन प्रेफरेंस, यानी माइक्रोबायोलॉजी से होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी, फिर अगला मांगा है इसमें, सॉरी एक मिनट, इसमें दूसरी पोस्ट है जूनियर नर्स की पोस्ट मांगी है। इसमें सैलरी है, डेफिनेटली नर्सिंग को स्टार्टिंग में कम सैलरी मिलती है, और डेफिनेटली ये तो कॉन्टैक्ट बेसिस पे, तो डेफिनेटली इसमें तो कम रहेगी रहेगी, लेकिन इसमें डेफिनेटली आपके सैलरी बढ़ेगी। ठीक है, 17,000 है वो इसमें, यानी कि असेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या मांगी है, एक पॉइंट देखते हैं, यानी कि ये फर्स्ट सेकंड नंबर पे चल रहे हैं जूनियर नर्स की वैकेंसी में। असेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं, फर्स्ट नंबर पर ए सर्टिफिकेट इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर मेल नर्स, यानी कि ए ग्रेड, इसमें भी ए ग्रेड इन्होंने मांगी है। ठीक है, लास्ट वाला है डाटा एंट्री ऑपरेटर, यानी कि डाटा एंट्री 12th पास आपका छोटा भाई है, तो आप उनकी भी हेल्प कर सकते हो नर्सिंग गुरु की वजह से। ठीक है, आप उनको बताइए, एक पोस्ट पे कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि एक्चुअल में हम भी ये सोचते हैं कि एक पोस्ट पे कौन जाएगा। तो वही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 28 साल के अगर आपका छोटा भाई है, बड़ा भाई है, तो आप उनको फॉर्म भरवा सकते हैं। ठीक है, इसकी लास्ट एप्लीकेशन डेट है 26 फरवरी, इसकी लास्ट डेट है 5 बजे तक आपका ऑनलाइन कर सकते हो। इसकी फिलिंग एप्लीकेशन कॉपीज फ्रॉम द ईमेल, इस पर आपको ईमेल करनी है CDCAMRRAIPUR, यानी कि CDCAM रायपुर दिया हुआ लास्ट में gmail.com। इस पर कैंडिडेट काइंडली एनश्योर द एलिजिबल फॉर द गिवन पोस्ट, यानी कि इस वेब इस ईमेल पे आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट आप आराम से देख सकते हो, फिल्ड एप्लीकेशन एंड स्कैन कॉपी, यानी कि एप्लीकेशन आपको फॉर्म फिल करना है, और आपको क्या करना है, इस साइट पे आपका पोस्ट करना है, यानी कि कॉन्टैक्ट बेसिस पे है, तो इसमें ज़्यादा लफड़ेबाजी नहीं है, डायरेक्ट इस पर ईमेल कर सकते हो आप। ठीक है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा 3 मार्च 2018 को, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट में एक पेज आ रहा है, वो पेज की मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पेज आएगा, ये आपको भरना है, स्कैन करवाना है, और आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करवाना है। उसके बाद में आपको जो मैंने ईमेल आईडी आपको बताई थी, ईमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डाली है, मैं आपको बता भी दूंगा आपको कहाँ से भरना है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन सब कुछ पड़ा है। ठीक है, तो इन्जॉय योर सेल्फ ऑन ऑनलाइन कीजिए इस वैकेंसी को, और लाभ उठाइए नर्सिंग गुरु के साथ जुड़ने का। ओके फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। ओके बाय फ्रेंड्स।